गुड मॉर्निंग। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। देखो, इस चैप्टर के अंदर कोई भी स्पोर्ट पर्सन जो है उससे रिलेटेड साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर डिस्कस किया गया है। अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स से मतलब यहाँ पर क्या है कि जनरली क्या होता है कि अगर आप भी कभी कोई स्पोर्ट आपने खेला होगा तो आपने ये महसूस किया होगा कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है, तब हम काफ़ी एफिशिएंसी के साथ, काफ़ी एनर्जी के साथ हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। बट उस प्रैक्टिस के साथ साथ हमें एक स्ट्रेस, एक साइकोलॉजी हमारी ये बनी होती है कि जब मैं ये जो जिसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिस गेम की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उस गेम को जब मैं खेलने जाऊँगा तो क्या होगा। ये गेम से नहीं, हर चीज़ से रिलेटेड है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो उस वो हर चीज़ जिसमें हम क्या करते हैं, जो मेन जब उसका करने का, कॉम्पिटिशन लड़ने का जब टाइम आता है, तो वहाँ पर एक अजीब सा डर होता है मन के अंदर, और हमें ये साइकोलॉजी हमारी ये बैठी होती है कि क्या मैं उस टाइम इसी तरह से अच्छी जिस तरह से प्रैक्टिस में कर रहा हूँ क्या उसी तरह से कर पाऊँगा, ठीक है, ठीक है। तो एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी जो है मन के अंदर रहती है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर यही समझाया गया है कि एक स्पोर्ट पर्सन जो है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, वो किस तरह से स्ट्रेस और एंजाइटी के अंदर वो रहता है, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ में आता होगा कि जो मैं बता रहा हूँ कि भाई कि एक्चुअली में ऐसा ही होता है कि प्रैक्टिस के दौरान हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जब हम गेम या जब मैच या कोई भी जो हम गेम खेल रहे हैं उसके अंदर जब परफॉर्म देते हैं तो वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस जो है थोड़ा वीक हो जाती है, बिकॉज ऑफ वहाँ पर सम स्ट्रेस हमारे अंदर होती है, ठीक है। वहाँ पर टेंशन ये रहती है कि मैं क्या जीत पाऊँगा या नहीं जीत पाऊँगा। तो ये साइकोलॉजी जो है सभी स्पोर्ट पर्सन के साथ रहती है, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर उसको ये एक ये जो फियर होता है, एक जो स्ट्रेस होती है जीतने की या नहीं जीतने की, वो नहीं होता है। लेकिन ये जब कंपटीशन के अंदर आता है तो वहाँ पर ये स्ट्रेस जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को क्या कर देती है, डल कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ इस चैप्टर के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहला ही पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है हमारा स्ट्रेस। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस की। लाइफ वुड बी सिंपल इंडीड इफ आर नीड्स कुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। ठीक है, जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, अगर उनसे हम सेटिस्फाई हैं तो हमें हमारी लाइफ काफ़ी सिंपल लगेगी कि भाई कि मेरी ये नीड है और ये कंप्लीट हो जाती है। तो क्योंकि हम सेटिस्फाई कब होते हैं, जब हम जो चाहते हैं अगर वो हमें मिलता है तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, ठीक है, हमें लाइफ जो है स्मूथ लगती है। स्ट्रेस इज नॉट न्यू टू ह्यूमन बिलोंग बींग्स, इट हैज़ एग्जिस्टेड थ्रू आउट द इवोल्यूशन। ये स्ट्रेस जो है वो अभी की ही बात नहीं है कि हम सोचे कि भाई आज के लोग ज़्यादा स्ट्रेस में, आज के लोग ही स्ट्रेस लेते हैं, पहले के लोग टेंशन में नहीं थे। तो स्ट्रेस जो है जब से इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन्स का, तब से स्ट्रेस है, क्योंकि तब से क्या है, इंसान जो है सोचता है, और जहाँ इंसान सोचता है वहाँ पर स्ट्रेस तो ज़रूरी होगी। चाहे वो ये स्ट्रेस का जो रीज़न है वो डिफरेंट हो सकता है हर डिफरेंट पर्सन के लिए, ठीक है। एट वर्क और इन लाइफ एवरीवन एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस। फॉर स्पोर्ट पर्सन स्ट्रेस में बी डबल इन कंपैरिजन टू द कॉमन मैन। नॉट ओनली डू एथलीट्स स्पोर्ट पर्सन हैव अ वरी अबाउट लाइफ स्टाइल एंड इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। एक स्पोर्ट पर्सन के लिए, जैसे एक स्पोर्ट पर्सन है तो उसको जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो किस तरह की लाइफ स्टाइल को जीनी है, उसका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, उसका खाना क्या होना चाहिए, उसका रूटीन क्या होना चाहिए, ये भी उसको ध्यान रखना होता है, ठीक है। और इमोशनल स्ट्रेस से मतलब यहाँ पर ये यह हो गया कि उसको
उस स्पोर्ट पर्सन को जो है जिस चीज़ के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है वो चीज़ क्या उसको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस भी उसको जो है रहती है। दे ऑल्सो हैव टू वरी अबाउट ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशंस। मिलियन ऑफ ट्रायल्स एंड एरर्स इन लाइफ प्रोसेस हैव ब्रॉट ह्यूमन बींग्स टू दिस स्टेज। वी नो डेट देर आर मैनी ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ विच इंटरफेयर विद ग्रेटिफिकेशन ऑफ आर नीड्स, कॉम्प्लिकेट आर एफर्ट्स टूवर्ड्स आर गोल्स। हमें पता है कि हमारी लाइफ में सेटिस्फिकेशन आए इसके लिए कई, जनरली देखा जाता है कि हमारी अगर मैं बात करूं कि इस दुनिया में इस अर्थ पर कोई भी सेटिस्फाई नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स जो है उसके रास्ते में मिली जाती है, कोई भी, कि चाहे वो कितने भी पैसे वाला हो, चाहे वो कितना भी जो है सेटिस्फाई हो, मतलब कितना भी उसको लगता है कि मेरे को कोई नीड नहीं है, मैं सेटिस्फाई हूँ, तो भी वो सेटिस्फाई नहीं है। मेरी सोच तो यह है कि भाई कोई भी आदमी इस दुनिया में सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि सेटिस्फिकेशन जो है उसका मतलब है कि वो इंसान जो है उसने मतलब जो अर्थ पर जितनी भी थिंग्स हैं उनके बारे में सोचना बंद कर दिए, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान है और चीज़ों के बारे में उसने सोचना बंद कर दिया हो। वी ऑल फेस डिलेज, डेप्रिवेशंस, फेलुअर, लॉसेस, रेस्ट्रिक्शंस, ऑब्लिगेशंस, इलनेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रेशर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डेली हमारी मतलब जो हमें हमारी लाइफ के अंदर क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, डेली तो नहीं, जो हमारी लाइफ के दौरान हमें फेस करनी पड़ती है। सच इवेंट्स प्लेस स्ट्रेस ऑन अस विच मे बी हार्मफुल फॉर अस, सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। एक्चुअली में स्ट्रेस है क्या, उसका हम मीन समझते हैं। मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कंसिस्ट ऑफ बॉडीली चेंज produced by physiological and psychological conditions that tend to upset the homeostasis balance. Homeostatic balance का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी हमारे फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं या जितने भी ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं, तो वो सब क्या एक बैलेंस जो है कंडीशन में चलता है। हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन से सब बैलेंस तरीके से क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। बैलेंस का मतलब यहाँ हो गया कि जैसे मान लो बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन जो है वो अबनॉर्मल तरीके से या अनबैलेंस होकर फंक्शन कर रहा है या प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर पूरी बॉडी जो है हमारी अनबैलेंस हो जाती है। जैसे मान लो हार्ट की बात करते हैं, हार्ट अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है कि हमें हाइपरटेंशन हो जाए, मतलब हमारा बीपी बढ़ जाए, या हो सकता है कि लो हो जाए। बीपी बढ़ जाएगा तो उसके साथ हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ अफेक्ट होगी, ठीक है। अगर जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसकी हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ स्टार्ट हो गई, वो ज़्यादा रनिंग नहीं कर पाएगा, उसको ब्रेथलेसनेस वाली कंडीशन, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये सारी कंडीशन होने की वजह से उसको एनर्जी लॉस फील हो सकती है, हो सकता है कि उसको भूख ना लगे, हो सकता है कि उसको लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर बॉडी का बैलेंस कहीं भी अगर क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, तो वहाँ पर पूरी बॉडी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इन मेडिकल लैंग्वेज स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ परटर्बेशन ऑफ बॉडी होम्योस्टेसिस। बॉडी की होम्योस्टेसिस कंडीशन मतलब बैलेंस को अगर क्या हो जाए, परटर्बेशन का मतलब है या डिस्टर्ब हो जाए, गड़बड़ा जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ अफेयर इन्वॉल्विंग डिमांड ऑन फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी। स्टेट ऑफ अफेयर इन्वॉल्विंग डिमांड ऑन फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी, ठीक है। तो हमारी फिजिकल और मेंटल एनर्जी मतलब कि हमारा फिजिकल और मेंटली हम क्या चाहते हैं, हमारी डिमांड क्या है, वही स्ट्रेस है। समझ में आ रहा है, मैंने बोला कि जहां सोच होगी, जहां डिमांड होगी, वही स्ट्रेस होगी। तो सिंपल सी बात है, क्या है, चाहे हम फिजिकली चाहे मेंटली हमारी कोई भी डिमांड है, वही स्ट्रेस है। स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज द बॉडी फिजियोलॉजी रिस्पॉन्स टू द डिमांड प्लेस ऑन इट, ठीक है। तो द बॉडी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू डिमांड प्लेस ऑन इट, ठीक है। फिजियोलॉजिकली तरीके से बॉडी की जो डिमांड है
वही स्ट्रेस है। फिजियोलॉजी का मतलब बॉडी के फंक्शंस कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो फंक्शन मेंटली हो, फिजियोलॉजिकली कुछ भी हो, चाहे हम सोच ही रहे हों, चाहे बॉडी को कुछ भी चाहिए, ठीक है, चाहे हम कोई भी हमारी थिंकिंग हो, चाहे हमें पैसा चाहिए, चाहे हमें अच्छा खेलना चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, मेरे को कुछ बनना है, मेरे को हेल्दी रहना है, ये सब जो हैं, ये जो भी डिमांड्स हैं सब क्या हैं, स्ट्रेस है। डिमांड और स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग एजेंट आर रेफर टू द स्ट्रेसर्स, ठीक है, जो स्ट्रेस कोज करते हैं उनको जनरली क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर्स बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, स्ट्रेस इज अ कंडीशन, सबसे सिंपल डेफिनेशन दे रखी है, एक कंडीशन है, एक सर्कमस्टांसेस हैं विच कैन डिस्टर्ब नॉर्मल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन, जो पर्सन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब करती है, ठीक है, वही क्या है, स्ट्रेस है। समझ में आ रहा है, स्ट्रेस का मतलब, देखो स्ट्रेस जो है वो क्या होती है, बोल सकते हैं टेम्प्रेरी होती है, स्ट्रेस जो है टेम्प्रेरी है। स्ट्रेस का ही थोड़ा बड़ा रूप है एंजाइटी, चिंता, और चिंता का ही महारूप है डिप्रेशन, ठीक है। स्ट्रेस को अगर हम कंटिन्यूस उस चीज का स्ट्रेस लेते रहें तो हम क्या चल जाएंगे, डिप्रेशन में जा सकते हैं। समझ में आ रहा है, स्ट्रेस वैसे तो टेम्प्रेरी है कुछ टाइम के लिए, कि भाई वो स्ट्रेसर जब तक है, वो सोच जब तक है, वो स्ट्रेसर जब तक है, उस जब तक हमें क्या है, चिंता है। जैसे मान लो घर में कुछ फंक्शन है, घर में कुछ फंक्शन है, कुछ पैसे कम है, तो उस कंडीशन में वो जो टाइम होगा, वो टाइम हमारे लिए थोड़ा स्ट्रेस में होगा कि भाई पैसे कम है, फंक्शन है, कैसे करेंगे। लेकिन जैसे ही फंक्शन निमटता है, कहीं से पैसे जुगाड़ होते हैं, तो हमारी स्ट्रेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टेम्परेरी स्ट्रेस हुई ना ये, गेम कोई कॉम्पिटिशन खेल रहे हैं, स्पोर्ट पर्सन कोई कॉम्पिटिशन खेल रहा है, ठीक है, तो कॉम्पिटिशन से पहले, जब वो कॉम्पिटिशन से पहले और जब वो गेम खेल रहा होगा, तब उसको स्ट्रेस होगी, गेम खेलने के बाद वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। समझ में आ रही है चीज, तो टेम्परेरी बोल सकते हैं स्ट्रेस को। दी अफेक्ट ऑफ स्ट्रेसर्स क्या है, दिस स्ट्रेसर्स अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ एन इवेंट, ठीक है, परसेप्शन, एक इवेंट मतलब पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर टाइम में जो सोच है, ठीक है, जो मांग है हमारी, वही क्या है, स्ट्रेस है। अलोंग विद परसेप्शन ऑफ इवेंट द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस आल्सो डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसर, ठीक है, भाई मांग तो है जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस भी डिपेंड करेगी कि उस स्ट्रेस की इंटेंसिटी कितनी है, वो पावरफुल स्ट्रेसर है या नहीं है। समझ में आ रहा है कि वो स्ट्रेसर जो है जिसकी वजह से टेंशन हो रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रही है, वो कितनी इंटेंसिटी वाला है, ठीक है। जैसे मान लो कि सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि एक्सीडेंट होता है, हमारे जानने वाले किसी का एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट में अगर उसके सीवर इंजरी हो जाती है, उसकी काफ़ी डैमेज हो जाता है, मतलब इंजरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब काफ़ी करो या मरो वाली कंडीशन आ जाती है, मरो मतलब कंडीशन वाली ये हो जाती है कि वो उसकी जो लाइफ है वो थ्रेटनिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उसी एक्सीडेंट में अगर चोट कम लगी होगी, बिल्कुल हल्की सी खरोच वगैरह आई होगी, तो हाँ स्ट्रेस हमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कि जो स्ट्रेसर है, यहाँ पे स्ट्रेसर क्या है, एक्सीडेंट है, कि भाई इंटेंसिटी जो एक्सीडेंट हुआ है वो काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट हुआ है या फिर छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है। समझ में आई चीज, तो इस तरह से जो स्ट्रेसर है उस पर डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी क्या है। इन सेम सिचुएशन वन इंडिविजुअल्स में इंटरप्रीट स्ट्रेसर एज नॉट स्ट्रेसर, ठीक है, अनदर इंडिविजुअल्स एज मॉडरेट स्ट्रेसर एंड यट अनदर इंडिविजुअल हैज अ मेजर स्ट्रेसर। चलो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ ये बोल रहा है कि सेम सिचुएशन है, लेकिन कोई लोग टेंशन लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं, और कुछ लेते हैं, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसा आपने सोचा होगा कि सेम कंडीशन है, लेकिन एक एक बंदा तो भाई इतनी स्ट्रेस ले रहा है, इतना सोच रहा है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पागल सा हो गया है, और एक बंदा बिल्कुल अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है, उसको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, और एक मॉडरेट है कि भाई देखा जाएगा जो भी होगा, स्ट्रेस तो है लेकिन वो सोच रहा है कि देखा जाएगा जो भी होगा। तो इस तरह की कंडीशंस जो है वो देखने को मिलती है कि सिचुएशन सेम है। तो इसके एग्जांपल हम आपसे ले लेते हैं कि एक बंदा है, तीन बंदे हैं जिनको कंपटीशन खेलना है,
ठीक है, तीन बंदे हैं जिनको कंपटीशन खेलना है, तो तीनों बंदों में से एक बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेता है कि प्रैक्टिस भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा लेता है। ठीक है, एक बंदा है मॉडरेट है कि देख प्रैक्टिस तो करिए यार, देख लेंगे क्या होगा, और एक बंदा ऐसा है कि जिसने प्रैक्टिस करी है, कुछ पे कॉन्फिडेंस है, तो स्ट्रेस नहीं ले रहा है। कंडीशन तीनों के सेम है कॉम्पिटिशन, लेकिन तीनों को स्ट्रेस लेने की जो कैपेसिटी वो अलग अलग है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, मतलब सेम सिचुएशन के अंदर लोगों की सोच या स्ट्रेस वाली कंडीशन जो है डिफरेंट हो सकती है। सो द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेसर डिपेंड ऑन द परसेप्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसर। इफ द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेसर इज सीवर, इट कैन बी कॉज सीवर हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इट एक्सट्रीम केस इट कैन इवन कॉज डेथ। ठीक है, कभी कभी डिप्रेशन, स्ट्रेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में फिर आदमी की सोचने समझने की जो पावर है वो बिल्कुल नील हो जाती है, तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो उसको पता नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। इट कॉज हेडेक, ईटिंग डिसऑर्डर, एलर्जीज, इंसोमनिया, नींद नहीं आ रही है, इंसोमनिया का मतलब नींद नहीं आना, और बैक एचेस, कमर दर्द है, फ्रिक्वेंट कोल्ड, ठंड लग रही है, फटीग और मतलब थकान रहती है, ब्लड प्रेशर हाई है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, हार्ट एलिमेंट्स हैं, मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, कैंसर है, इस तरह की कंडीशंस को हो सकती है। टुडे विद द रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी मैक्सिमम नंबर ऑफ एडल्ट आर फेसिंग स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आज जो है जब हम हमारे चारों तरफ देखते हैं तो हमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं दिखता है जो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो। हर बंदे को कुछ ना कुछ क्या होती है, कुछ ना कुछ टेंशन है, कुछ ना कुछ स्ट्रेस जरूर रहती है, चाहे वो किसी भी हो सकता है कि कोर्स ऑफ स्ट्रेस अलग अलग हो, बट हर बंदे को स्ट्रेस क्या होती है अलग अलग रहती है। ठीक है, जैसे आप लोगों को स्ट्रेस है पढ़ाई की, ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं उनको स्ट्रेस है पढ़ाई की, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको और चीज़ों की स्ट्रेस है, भाई फेसबुक कैसे चलानी है, फेसबुक पर क्या किस तरह का कमेंट आया होगा, उनको इस तरह की स्ट्रेस है। ठीक है, तो मतलब इस तरह की, मतलब अलग अलग एज, एक ही एज के अंदर फंक्शन, मतलब एक ही एज के अंदर तुम्हारा मेन एम क्या है, उस एम को लेकर तुम्हें स्ट्रेस हो सकती है। ठीक है, चलो ठीक है। इन द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस द ब्रेन प्रिपेयर द बॉडी टू टेक डिफेंसिव एक्शन, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बाय रिलीजिंग स्ट्रेस हार्मोन्स विद आर कॉल्ड कोर्टिसोन एंड एडिनलिन। ठीक है, स्ट्रेस वाली कंडीशन में हमें, देखो स्ट्रेस को एक तो ये होता है मेंटली स्ट्रेस क्या है, एक होता है फिजिकल स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब सिंपल सा हम ये मानते हैं कि ऐसी इमरजेंसी वाली कंडीशंस, ठीक है, जिनके अंदर हमारी सोचने समझने की शक्ति कुछ टाइम के लिए क्या हो गई, खत्म हो गई है, हम इंस्टेंट रिएक्शन शो कर रहे हैं, वो भी स्ट्रेस वाली कंडीशन में आता है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि कुछ ऐसी कंडीशन आ गई हमारे सामने है कि जैसे मान लो कि कोई एक कंडीशन आ गई, जैसे हमारे सामने स्नेक आ गया, हमारे सामने स्नेक आ गया, तो ये भी एक स्ट्रेस वाली कंडीशन है कि वो स्नेक आया तो हम क्या करें, या तो लकड़ी उठाकर उसको मारें या फिर भाग लें। ठीक है, तो दो ही कंडीशन हुई यहाँ पर, या फिर हम क्या कर जाएं, डर जाएं, ना तो भाग रहे हैं ना उससे लड़ रहे हैं, तीसरी कंडीशन क्या कर रहे हैं, उससे डर रहे हैं, तो तीनों ही कंडीशन क्या होगी, हाईली स्ट्रेसफुल वाली कंडीशन होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहाँ पर इसने, अब मेरी बायोलॉजी का कुछ बात बताई है, इसने बोला है कि जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो ये काम, जो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ बताया इसने कोर्टिसोन एंड एड्रेनलिन, दोज आर द हार्मोन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द गिविंग अस टू पावरफुल, बोल सकते हैं कि हमें क्या देते हैं, पावरफुल एक लड़ने की ताकत देते हैं उस कंडीशन के अंदर, ये जो हार्मोन है। दीज हार्मोन्स रेज द ब्लड प्रेशर एंड बॉडी प्रिपेयर टू रिएक्ट द सिचुएशन। देखो ये हार्मोन्स की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, एनर्जी हमें अच्छी मिल रही है, तो उस कंडीशन में हम ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवनेस ज़्यादा जाती है उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, और यही चीज़ अगर ज़्यादा हो जाती है, जैसे हार्ट बीट ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो वहाँ पर शोक जैसी कंडीशन भी आ सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। कुछ कमज़ोर दिल वाले बोलते हैं ना, जिनके कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस कंडीशन में मर भी सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनको शोक आ जाता है, तो इस कंडीशन में उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है,
When we fail to face the stress situation, the hormone remains unused in blood and for a long time. It results the stress release physical symptoms such tense muscles, anxiety, dizziness, and fast heartbeats. This state accumulates. Stress can increase the risk of psychosomatic illness. ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर हम स्ट्रेसफुल कंडीशन से लड़ने में असफल रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम और ही दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, मतलब डिप्रेशन में चले जाता है। ठीक है, हमारा साइकोसोमेटिक कंडीशन बोल रहा है ना, इसका मतलब है कि हमारे हम साइकोलॉजिकल बीमार हो जाते हैं, मेंटली रिटार्डेशन की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इट आल्सो वीकन एन इम्यूनिटी पावर ऑफ द बॉडी, इट मे लीड टू द लॉस ऑफ पोटेशियम वाइट ब्लड सेल्स एंड बॉडी वेट ऑफ द पर्सन। तो कुछ साइड इफेक्ट है कि जिसमें हमें स्ट्रेस जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या साइड इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट उसके शो हो सकते हैं। नेक्स्ट हम इस चैप्टर की जो टॉपिक है उसकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।